please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका के टेक्सास में चर्च में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 26 लोगों की मौत हो गई। आईसीआईजे ने पैराडाइज पेपर्स के नाम से कई राजनेताओं के काले धन का पर्दाफाश किया है। सरकार के मुताबिक 35,000 कंपनियों ने नोटबंदी के दौरान जमा कर 17,000 करोड़ निकाले। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। आरक्षण के आंदोलन के वक्त भड़की हिंसा में पाटीदारों पर दर्ज हुए केस पुलिस ने वापस लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के मुताबिक यूपी से एक तिनके के बराबर भी गोमांस का निर्यात नहीं हो रहा। तिनका भी गोमांस का निर्यात कोई करने का साहस कभी नहीं सकता, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित है। राहुल गांधी आज हिमाचल के पावंटा साहिब, नगरोटा और चंबा में रैली करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल के सोलन, मंडी और हमीरपुर में रैली करेंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक राहुल गांधी गप्पी दास की तरह गप लड़ा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता के बड़े नेता वैसे ही झूठ बोले गप्पा लगाए, ये ठीक नहीं है। आनंद शर्मा ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि 3.5 साल बाद भी उनमें शालीनता नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने लूटा है गरीब का, मेहनत का पैसा, उसको काला धन कहा। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नवसारी में शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ बैठक की। अनिल विज ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि 100 कुत्ते भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रंप प्रशासन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को अब हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू किया है। कश्मीर पर सरकार के वार्ताकार ने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक बीजेपी वन मैन शो और दो सैनिकों की सेना नहीं होनी चाहिए। पीएम के मुताबिक अगर इंदिरा गांधी ने नोटबंदी की होती तो उन्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। सिलेंडर के दाम बढ़ने के लिए पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। वीएचपी नेता तोगड़िया ने अनुच्छेद 35 ए को गैर कानूनी मानते हुए इसे हटाने की मांग की है। बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डे कल 7 दिनों की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। महिला एशिया हॉकी कप में भारत ने चीन को हराकर 13 साल बाद पहली बार खिताब अपने नाम किया। एशिया कप खिताब जीतने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महिला हॉकी टीम को बधाई दी। भोपाल में केजरीवाल ने कहा कि एमपी चुनाव में उनकी पार्टी सभी 230 सीटों पर लड़ेगी। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटों में 30 बच्चों की मौत हो गई। तमिलनाडु में सीएम का आपत्तिजनक कार्टून बनाने के आरोप में कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया गया। और संदीप बोल बड़ी खबर दे रहे हैं, कश्मीर की आजादी के सपने देखने वालों को पाकिस्तान ने बड़ा झटका दिया है। लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान ने आजाद कश्मीर की बात को सच से दूर बताकर खारिज कर दिया। खाकान ने पाकिस्तान के भविष्य पर हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहीं पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आजाद कश्मीर की सोच को सच से दूर यानी ख्याली बताकर खारिज कर दिया। बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने कराटे चैंपियनशिप के उद्घाटन के दौरान मेयर को पंच मारा। पद्मावती विवाद पर गिरिराज सिंह ने कहा कि भंसाली दूसरे धर्म पर ऐसी फिल्म बना पाएंगे। हिंदू देवी देवताओं पर तो एक से एक उन पर कटाक्ष की है, लेकिन दूसरे धर्मों के ऊपर इसलिए कि डरते हैं। राजस्थान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पद्मावती फिल्म के रिलीज पर प्रतिबंध की मांग की।
सरकार की ड्यूटी बनती है माहौल बिगड़ने से पहले सरकार महारानी पद्मावती फिल्म पर बैन लगाए। मध्य प्रदेश के देवास में राजपूत सरदारों ने परंपरागत वेशभूषा में फिल्म पद्मावती का विरोध किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। यूपी के संभल में एक महिला ने पुलिस पर जबरन घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। नागपुर में किसान आत्महत्या का किरदार निभाते समय फांसी लगने से एक किसान की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नेशनल हाईवे 69 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 5,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी के गोंडा में एक टीचर ने 7 साल के बच्चे को डंडे से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। यूपी के मिर्जापुर में एक जर्मन नागरिक ने रेलवे के एक सुपरवाइजर पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के गुना में नाबालिग के रेप और हत्या से नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आपसी विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में लोक गायक गणेश ने बाबा राम रहीम के गुंडों पर धमकी देने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को पिस्तौल और ऑडी कार के साथ गिरफ्तार किया। रायपुर में राष्ट्रपति और सीएम रमन सिंह ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के रौरकेला में घर नहीं होने की वजह से एक आदमी शौचालय में रहने को मजबूर है। सऊदी अरब से भारत लौट रहा संदिग्ध आतंकी अबू जैद को यूपी एटीएस ने मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा। मेरठ में 2 दोस्तों ने एक आदमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। बिहार के मुंगेर में बदमाशों ने महिला को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी। इंदौर में एक महिला ने एक आदमी पर तेजाब से हमला कर दिया। लुधियाना के अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीड़ ने मिलकर एक दलित आदमी की जबरदस्त पिटाई कर दी। बिग बॉस के घर से इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई ढिंचैक पूजा बेघर हो गई। और बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दलितों को मिल रहे आरक्षण का समर्थन किया है। जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि गैर बराबरी खत्म होने तक दलितों को आरक्षण जारी रहना चाहिए। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख ने जाति व्यवस्था को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान ऐसे समय पर आया है जब गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि आरक्षण को लेकर संघ का नजरिया साफ होने से दलितों में बीजेपी के लिए विश्वास का माहौल बन सकता है। दुर्भाग्य अपने देश का, जाति भेद चलता रहा, अस्पृश्यता चलती रही, अपने ही समाज का एक बड़ा वर्ग पिछड़ गया। इस विषमता को हमको जड़मूल से उखाड़ कर बाहर निकालना पड़ेगा, तभी समाज शक्तिपूर्ण बनेगा। और उसके लिए जो जो उपाय किए जाएंगे उस सब के समर्थन में होना ही पड़ेगा। संविधान में कुछ प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान ठीक से लागू हो, जिनके लिए उनको प्राप्त हो और विषमता समाप्त तो होते तक उनको ये लाभ मिलता रहे, इसमें दो राय किसकी होगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीड़ ने एक पुलिस वाले को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में निकाय चुनाव से पहले पुलिस वालों की बंदूकें धोखा दे गईं। मुंबई के पास ठाणे में अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले आदमी की बीच सड़क पिटाई कर दी गई। हरियाणा के हिसार में एक फैक्ट्री में आग लगने से 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अहमदाबाद में एक शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।
महाराष्ट्र में शराब से भरे एक ट्रक और बाइक की टक्कर में महिला की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में युवाओं के लिए एयर शो का आयोजन किया गया। औरंगाबाद के क्रांति चौक पर 200 फीट ऊंचे झंडे को फहराया गया। अड्डा के सेक्टर 26 में चलती कार में अचानक भयंकर आग लग गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में विधायक मथुरा लाल डामर का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के पास ठाणे में एक आदमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जयपुर में नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 50,000 लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे। बिहार के वैशाली में पिकनिक मनाने गए एक परिवार के 8 लोग नदी में डूब गए। कानपुर में निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिहार के पूर्णिया में अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। हैदराबाद में 10वीं की छात्रा शिक्षक के डांटने पर स्कूल की दूसरी मंजिल से कूद गई। ओडिशा के मयूरभंज में गांव वालों ने जादू टोना के आरोप में 5 महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा। 31 जनवरी तक रेलवे के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होगा। फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा कि कट्टरपंथ आतंकवाद से अलग है। जीएसटी काउंसिल जल्द ही रोजमर्रा की चीजों से टैक्स की दर घटाने पर विचार कर सकती है। यूपी के बलिया में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विषमता खत्म होने तक दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना के मेढक में 2 बहनें नदी में नहाते वक्त डूब गईं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेंदुए की तस्वीरें गांव वालों ने कैमरे में कैद की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पेट्रोल पंप पर 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश से एक तिनके के बराबर भी गोमांस का निर्यात नहीं हो रहा है और ना ही कोई ऐसा करने का दम रखता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक गोमांस निर्यात होने की खबरों को झूठा बताया और दावा किया कि उनकी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद किया और गो तस्करों पर भी नकेल लगाई। कहना कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक गोमांस निर्यात होता है सरासर झूठ है, असत्य है। उत्तर प्रदेश से एक तिनका भी गोमांस का निर्यात कोई करने का साहस कभी नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर वो हत्या की बात को दूर वो पे क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी, वो बाहर नहीं हो सकता। असम में एक पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी ने नागरिकता का प्रमाण मांगा गया। आगामी भारत दौरे के लिए श्रीलंका ने ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को टीम में शामिल किया है। भारत के खिलाफ मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई। विराट कोहली के मुताबिक धोनी के साथ उनके संबंधों पर कोई भी असर नहीं डाल सकता। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने का काम शुरू। मुंबई में घोड़े पर सवारी करने के दौरान 6 साल की बच्ची की गिरने से मौत हो गई। भोपाल गैंगरेप को लेकर असंवेदनहीनता दिखाने में जीआरपी की एसपी अनीता मालवीय का तबादला हुआ। जयपुर में 6 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। न्यूज 18 इंडिया ने 17वें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड में साल की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश के पीडीएस का चावल मध्य प्रदेश के छतरपुर में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।
मुंबई के गोरेगांव में 10 लाख की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के समस्तीपुर में 30 लोगों से भरी एक नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के भटिंडा में आर्थिक तंगी के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत पर बन रही फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। यमन के एडन में सुरक्षा मुख्यालय के बाहर एक कार धमाके में 5 सैनिक मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया की अहम यात्रा की शुरुआत करते हुए जापान पहुंचे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 3D ग्राफिक्स, प्रकाश और साउंडट्रैक के साथ शानदार लाइट शो का आयोजन किया गया। पाकिस्तान के पीएम शाहिद खाकान ने आजाद कश्मीर की बात को सच से दूर बताकर खारिज किया। अमेरिका के शहर होबोकन में मेयर पद के सिख उम्मीदवार रविंदर भल्ला के नाम आतंकी पोस्टर लगाए गए। बॉलीवुड फिल्म में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के आइटम सॉन्ग का टीजर जारी हो गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने चेन छीनकर भाग रही लुटेरी महिला की जबरदस्त पिटाई कर दी। अमेरिका के टेक्सास में हुई अंधाधुंध फायरिंग में मरने वालों की याद में मोमबत्ती जलाई गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 मैच के लिए दोनों टीमें तिरुवनंतपुरम पहुंच गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर एक हमलावर ने 26 लोगों की हत्या कर दी। सऊदी अरब में राजकुमार मंसूर बिन मोकरेन की यमन के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। खोजी पत्रकारों के संगठन ICIJ ने पैराडाइज पेपर्स नाम की अपनी जांच में दुनिया के 120 से ज्यादा बड़े नेताओं के काले धन का पर्दाफाश किया, कई भारतीयों के भी नाम। हिमाचल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा कि हार को पहले से तय मानकर कांग्रेस के नेता मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम, डीएम और पुलिस कमिश्नर का कार्टून बनाने पर कार्टूनिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जर्मनी के एक नागरिक ने यूपी में सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाया। भोपाल गैंगरेप को लेकर असंवेदनहीनता दिखाने और मामले को सिरदर्द बताकर हंसने वाली जीआरपी की एसपी अनीता मालवीय का तबादला। दर्द हो गया मेरा तो। न्यूज 18 इंडिया ने 17वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड में साल की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता। काफी डिप्रेशन है, कभी घर वाले याद आते हैं तो कभी अपना जख्म याद आता है, तो कभी अपनी डिग्री याद आती है।